हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिनकी हेल्प से आप टिपिकल से टिपिकल इंटीग्रल इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी के। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल जो है इंडिपेंडेंट है अगर हम वेरिएबल चेंज कर दे तो। यहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ मैंने t वेरिएबल ले लिया। अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते x की जगह x y z कुछ भी लिख दो तो इंटीग्रल सेम रहेगा। इसको कैसे प्रूव करते हैं वो देखेंगे। अगर मैं लिखती हूँ phi x जो है वो प्रिमिटिव है एफ एक्स का, लेट phi x बी प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? phi x means integral f(x) dx क्या हो गया? phi x, क्योंकि phi x एंटी डेरिवेटिव है या प्रिमिटिव है f(x) का। और जो ये इंटरवल है लोअर लिमिट a b, ये मैं बाहर लिख दूंगी, तो ये क्या होगा? phi b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट phi a, ठीक है। ऐसे ही अगर phi t प्रिमिटिव है ft का, सो a टू b ft dt क्या होगा? phi t, because phi t क्या है? primitive of f t। और इसकी लिमिट्स रख दो, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये मेरा क्या आ गया? phi b माइनस phi a, मीन्स लिमिट्स लगाने के बाद इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी आ रहा है। अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि वेरिएबल चेंज हो रहा है और आपको दिखाना है कि दोनों इक्वल हैं, मींस यहाँ पे जैसे x की जगह t है बाकी सब चीजें सेम हैं, तो उस केस में आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट टू चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, अगर आप एक्सचेंज कर दे लोअर लिमिट को अपर लिमिट से, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से, तो आपको उस कंडीशन में उस इंटीग्रल को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। बाकी चीजें सेम है, मैंने लोअर लिमिट को अपर लिमिट रिप्लेस किया है एंड अपर लिमिट को लोअर लिमिट से रिप्लेस किया है, तो उस कंडीशन में आपका माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो इंटीग्रल। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकाल रही हूं। अगर phi x प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव है fx का तो इसका क्या होगा? इंटीग्रल phi x a टू b जो मेरा क्या आ गया? phi b माइनस phi a, ठीक है। अब मैं दूसरे का निकाल रही हूं, राइट हैंड साइड का माइनस इंटीग्रल a टू b fx dx है, तो उस केस में अगर phi x प्रिमिटिव है एफ एक्स का तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एज इट इज, बाहर आ गया माइनस साइन, ये क्या हो गया? फाइ एक्स ए टू बी, सो माइनस बाहर, सॉरी यहां पे बी टू ए है, इट्स बी टू ए, ठीक है, बी टू ए, बी लोअर लिमिट है यहां पे, सो यहां पे क्या हो जाएगा? बी टू ए, सो ये क्या हो गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट यहां पे क्या? ए, सो फाइ ए माइनस फाइ बी आ गया। अब मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि माइनस बाहर है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? फाइ बी माइनस फाइ ए, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, हेंस प्रूव्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी, मींस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है आपको और थोड़ा टिपिकल हो रहा है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालना, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो कोई भी बीच में पॉइंट लेके। मैंने सी कोई भी पॉइंट ले लिया, इंटरवल ए टू बी के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा सी कैंसिल हो जाएगा, ए टू बी ही आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखिए, ये क्या होता है प्रूफ,
इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, अगर फाइ एक्स प्रिमिटिव है एफ एक्स का, तो फाइ एक्स ए टू बी, तो ये क्या हो जाएगा फाइ बी माइनस फाइ ए, ठीक है हो गया। अब आपको क्या निकालना है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरी है इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसका देखो, अगर फाइ एक्स प्रिमिटिव है एफ एक्स का, तो क्या हो जाएगा ये फाइ एक्स ए टू सी प्लस फाइ एक्स सी टू बी हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइ सी माइनस फाइ ए माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइ बी माइनस फाइ सी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फाइ सी माइनस फाइ ए प्लस फाइ बी माइनस फाइ सी। सो यहां से फाइ सी कैंसिल हो गया, सो मेरा क्या आ गया फाइ बी माइनस फाइ ए आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, फाइव बी माइनस फाइव ए आया था, राइट हैंड साइड का क्या आ गया फाइव बी माइनस फाइव सी, सॉरी फाइव बी माइनस फाइव ए। तो कभी भी आपको अगर ब्रेक करना हो, तो आप कोई ऐसा पॉइंट लीजिए जो उस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में लाई कर रहा है, उसके बाद आप एक में अपर लिमिट की जगह रखिए, एक में उसे लोअर लिमिट की जगह रखिए। इन जनरल अगर ये तो था कि हमने दो इंटरवल में, दो इंटीग्रल में ब्रेक किया, अगर हमें दो से ज्यादा इंटीग्रल में ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रल ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स अप टू सो वन अप टू सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स, मीन्स जो हमारी लोअर लिमिट है उससे स्टार्ट करना है और जो हमारी अपर लिमिट है वहां पे खत्म करना है, ठीक है। जो लोअर लिमिट है उसकी प्लेस लोअर लिमिट पे ही रहेगी, जो अपर लिमिट है उसकी प्लेस अपर लिमिट पे रहेगी, और जो भी ये सी वन सी टू सी थ्री जो भी ये नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ये ए टू के बी इंटरवल के बीच में ही लाई करेंगे। दिस कंडीशन इज मैंडेटरी, जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं एक दो, हमें निकालना है यू हैव टू इवेलुएट इंटीग्रल माइनस वन टू वन एफ एक्स, जहां पे आपको फंक्शन जो है वो इस तरह से गिवन है, ब्रेक करके गिवन है, वन माइनस टू एक्स है अगर एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, वन प्लस टू एक्स है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। मीन्स आपको ब्रेक कैसे करना है इंटीग्रल को दो पार्ट में, वो आप समझना है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी थी सॉल्यूशन, सो इंटीग्रल माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स, अब देखो ये ब्रेक किस पॉइंट पे हुआ है, जीरो पॉइंट पे, जीरो से छोटा है तो ये होगा, जीरो से बड़ा है तो ये हो गया। और ये भी ध्यान रखो कि जीरो जो है माइनस वन टू वन के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे सी पॉइंट क्या हो गया मेरा, ए हो गया माइनस वन, बी हो गया वन, सी क्या हो गया ए हो गया माइनस वन लोअर लिमिट, बी हो गया वन अपर लिमिट, सी क्या हो गया यहाँ पे जीरो, क्योंकि जीरो पे ये कंडीशन है लेस देन इक्वल्स टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ए टू सी मीन्स माइनस वन टू जीरो एफ एक्स डी एक्स लेंगे, प्लस यहां हम क्या करते थे सी टू बी, सी क्या है जीरो बी क्या है वन, ब्रेक कर लिया माइनस वन टू जीरो जीरो टू वन, कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, जो यहां पे आएगा अपर लिमिट में फर्स्ट इंटीग्रल के अपर लिमिट में जो आएगा वो सेकेंड इंटीग्रल के लोअर लिमिट में आएगा, फिर उसके जो अपर लिमिट में आएगा वो अगर नेक्स्ट इंटीग्रल ले रहे हैं उसके लोअर लिमिट में आएगा, ठीक है। अब माइनस वन टू जीरो, जीरो से लेस है तो हमारा क्या है इंटीग्रल वन माइनस टू एक्स, सो ये हो गया वन माइनस टू एक्स डी एक्स। अगर जीरो टू वन है मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो हमारा क्या होगी वैल्यू एफ एक्स की, वन प्लस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, इक्वल्स टू वन का क्या होता है इंटीग्रल एक्स, क्योंकि वन क्या होता है एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर एन का क्या होता था एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, सो एक्स की पावर जीरो का क्या हो गया एक्स की पावर जीरो प्लस वन ओवर जीरो प्लस वन, जो मेरा एक्स आ गया माइनस टू, ऐसे ही एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, और लिमिट्स लगा दो, लिमिट्स क्या है हमारी माइनस वन टू जीरो प्लस वन का क्या होता है एक्स
टू एज इट इज, एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। लिमिट्स लगा दो इसमें 0 to 1, लोअर एंड अपर लिमिट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 to 0 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1। अब अपर लिमिट क्या है, 0 0 रखो दोनों में, क्या होगा 0 माइनस 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं माइनस, लोअर लिमिट क्या है यहाँ -1 -1 रखो, -1 -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है प्लस। यहाँ अपर लिमिट क्या है 1 1 रखो पहले x की जगह, ये क्या हो गया 1 प्लस 1, माइनस लोअर लिमिट क्या है यहाँ 0 0 रखो, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 0। तो ये मेरा क्या आ गया -(-2+2), सो मेरी क्या वैल्यू आ गई 4 4 आपका आंसर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 मोड ऑफ 5x-3dx। इसमें तो आपको ब्रेक करके गिवन था, तो आपको पता था कि आपको सी क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं पता, आपको मोड गिवन है। अब मोड की डेफिनेशन क्या होती है, मोड ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 है, एक्स पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ये जो इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा, मोड ऑफ 5x-3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -5x-3 इफ 5x-3 इज लेस देन 0। लेस देन 0 में यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -3/5। ठीक है, एंड पॉजिटिव ऑफ 5x-3 होगा अगर 5x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ। सो यहां से x की क्या वैल्यू आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/5 आ गई। मोड ऑफ एक्स क्या होता था, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 है, पॉजिटिव एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या है 5x-3, सो नेगेटिव ऑफ 5x-3 होगा अगर 5x-3 लेस देन 0 है, पॉजिटिव ऑफ 5x-3 होगा अगर 5x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो ऊपर मेरा आ गया x लेस देन 3/4, नीचे आ गया x ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, सो मैं लिख सकती हूँ दैट इंटीग्रल 0 to 1 मोड ऑफ 5x-3dx इक्वल्स टू, आप देखो पॉइंट मेरा क्या आ गया 3/5, अगर 3/5 से छोटा है तो उसकी वैल्यू ये होगी, अगर 3/5 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू ये होगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये मेरा बन जाएगा -5x+3। ठीक है, सो 0 to c क्या है मेरा यहाँ पे 3/5, 0 to 3/5 ले रही हूँ, 0 to 3/5 means x less than 3/5 लेना, x less than 3/5 पे वैल्यू क्या है मेरी -5x+3dx प्लस इंटीग्रल। अब जो मैंने यहाँ अपर लिमिट ली है वो नेक्स्ट इंटीग्रल की क्या होगी, लोअर लिमिट 3/5 to b क्या है यहाँ पे मेरा 1। ठीक है, अगर 3/5 से बड़ा है तो क्या वैल्यू है मेरी 5x-3dx। ठीक है, इक्वल्स टू -5 एज इट इज, x का क्या होगा x²/2, -3 एज इट इज, -3 का मीन्स -3 into 1 1 का क्या होता है x, और इसमें 0 to 3/5 ये प्लस है। सेकेंड वाले का करो प्लस 5x का क्या होता है 5x²/2, -3 का क्या होता है 3x 3/5 to 1। लिमिट्स पुट कर दो, सबसे पहले x की जगह रखो 3/5, x की जगह 3/5 रखो, -0 रखो, क्या होगा -0 हो गया प्लस, इसमें सबसे पहले अपर लिमिट रखो 1, तो ये क्या बन गया 5/2-3, -3/5 रखो 5 into 9/25 into 2 -9/5। ठीक है, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है,
मेरा आंसर आ गया 13/10। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर fx मेरा कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ab में, तो इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b f a प्लस b माइनस x dx होगा। मींस x की जगह क्या आ गया? a प्लस b माइनस x। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, प्रूफ हम लेते हैं इंटीग्रल a टू b fx dx मैंने लिया, ठीक है। मैं कुछ अज्यूम करूंगी, लेट x इक्वल्स टू a प्लस b माइनस t। x को मैंने a प्लस b माइनस t अज्यूम कर लिया, तो मेरा यहां से dx क्या आ गया? a भी तो कांस्टेंट है, माइनस dt आ गया, ठीक है। अब लिमिट्स भी तो चेंज होंगी, है ना, x की वैल्यू चेंज की है। ये जो लिमिट्स x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b पे है, अगर मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी, t के टर्म्स में लिखा है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की भी वैल्यू चेंज होगी। व्हेन x इक्वल्स टू a, जब x इक्वल्स टू a है तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी? दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू a प्लस b माइनस t, तो यहां से क्या हो गया? a से a कैंसिल, t की वैल्यू क्या आ गई? b। जब x की वैल्यू a है, t की वैल्यू b आ गई। व्हेन x इक्वल्स टू b, जब x की वैल्यू b है, तो क्या आएगी? यहां से x की जगह b रखो, b इक्वल्स टू a प्लस b माइनस t, b से b कैंसिल हो गया, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई? a, ठीक है। मींस वैल्यूज इंटरचेंज हो रही है। अब इसकी जगह डाल दो, सबसे पहले तो a की, जब x इक्वल्स टू a है तो t क्या है? b, तो यहां पे b आ गया। व्हेन x इक्वल्स टू b, t की वैल्यू क्या है? a, तो ये a आ गया। और fx की जगह, x की जगह मेरा क्या आ गया? f ऑफ a प्लस b माइनस t। और dx की जगह मेरा क्या आ गया? माइनस dt, माइनस dt का माइनस बाहर लिख रही हूँ, dt हो गया। आप देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक्सचेंज करना है, तो उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करना होगा। मींस a और b को मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, a लोअर लिमिट में लिख रही हूँ, b अपर लिमिट में, सो माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी की चीजें एज इट इज इक्वल्स टू। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था? इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b एफ टी डी टी। अगर हमारा वेरिएबल चेंज होता है तो इंटीग्रेशन सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ t की जगह x लिख दू तो मेरा इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। पहले फोर्थ प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेते हैं। इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। मींस x की जगह मुझे क्या लिखना है? a प्लस b माइनस x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, वो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, इंटीग्रल पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री वन ओवर वन प्लस अंडर रूट कोट एक्स dx। सबसे पहले तो साइन कोस में चेंज कर दीजिए, कोट एक्स क्या होता है? कोस एक्स बाय साइन एक्स, तो उसको चेंज कर लीजिए। सो मेरा क्या बन गया? पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, सो कोस एक्स बाय साइन एक्स आएगा, ऊपर जाके साइन एक्स हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स, ये बनेगा चेंज करने के बाद, ठीक है। इसको आप नंबर वन नाम दे दो, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना ट्रिकी लग रहा है ना, सब्स्टिट्यूट करोगे फिर आप कुछ करोगे। अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ तो बहुत इजीली हो जाएगा, देखते हैं कैसे। मुझे क्या करना है, जहां जहां एक्स है उसकी जगह मुझे लिखना है ए प्लस बी माइनस एक्स। पहले तो ए, ए क्या है यहाँ पे? लोअर लिमिट पाई बाय सिक्स, बी क्या है? पाई बाय थ्री, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा? पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री क्या होगा? पाई बाय टू माइनस सी आ गया। तो जहां जहां x है वहां पे पाई बाय टू माइनस x लिख दो, सिंपल है। x की जगह आपको a प्लस बी माइनस x लिखना है। सो ये क्या हो गया? अंडर रूट
साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स ओवर अंडर रूट साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कोस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। आप देखो साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू माइनस एक्स मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और पाई बाय टू पे हमारी वैल्यू चेंज रहती है। साइन किस में चल जाता है? कोस में। सो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होगा? कोस एक्स। यहाँ पे भी साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कोस एक्स होता है प्लस कोस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। इसको मैं सेकेंड नंबर दे रही हूँ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज आई इंटीग्रल का साइन है, हमें आई की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मैं वन और टू को एड कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। एडिंग वन एंड टू, हमें क्या मिलेगा? I प्लस आई क्या हो गया? 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल। इंटीग्रल दोनों का सेम है, पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री। सो मैं एज इट इज लिख रही हूं पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री। न्यूमिरेटर को ऐड करते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। न्यूमिरेटर को हमने ऐड कैसे कर लिया? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, क्या है? अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया वन और टू को, तो मेरा ये आ गया, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या आ गया? वन। सो मुझे क्या मिल गया? टू आई इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री वन डी एक्स। वन का क्या होता है? वन मीन्स एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो का क्या होगा? सिंपली एक्स, और ये लिमिट्स लगा दो पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री। सो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय थ्री अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय सिक्स। सो ये मेरा आ गया पाई बाय सिक्स एलसीएम लेने के बाद। पर ये जो पाई बाय सिक्स वैल्यू आई है, ये टू पाई की वैल्यू आई है। अगर मुझे ये टू पाई की वैल्यू आई है, अगर मुझे आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? टू से डिवाइड कर दो दोनों साइड। सो ये क्या हो गया? पाई बाय ट्वेल्व। सो आपका आंसर क्या आ गया? पाई बाय ट्वेल्व। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर एफ एक्स जो है कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है बट जो इंटरवल है वो आपका ए बी इंटरवल नहीं है, वो इंटरवल है आपका जीरो टू ए। ठीक है, उस केस में इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आपका इंटीग्रल जीरो टू ए है तो आपका क्या चेंज होगा? x की वैल्यू चेंज रहेगी, a माइनस एक्स होगी। ये फोर्थ की जैसा ही तो है। अगर मैं फोर्थ वाला भी अप्लाई करती हूँ, वहां पे x की जगह क्या आया था? a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे a तो जीरो है, b की जगह a है, तो प्रूफ फोर की जैसा ही होगा। फोर में जो जहां पे a था वहां पे जीरो ले लो और जहां पे b था वहां पे a ले लो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। I equals to 0 to pi by 2 sin x over sin x plus cos x dx। ठीक है, जब भी आप किसी इंटीग्रल को साइन और कोस में चेंज कर लें तो उसको नंबर वन नाम दे दे। उसके बाद हमें क्या करना है? x की जगह क्या रखना है मुझे? a माइनस एक्स। सो यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a की जगह क्या है? पाई बाय टू। ठीक है, जीरो की जगह जीरो ही है, a की जगह पाई बाय टू है, तो मुझे क्या रखना है x की जगह? x की जगह मुझे रखना है पाई बाय टू माइनस एक्स। रखो जीरो टू पाई बाय टू साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स ओवर साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है, डी एक्स। साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। आ गया,
एक फर्स्ट इक्वेशन वो होगी जब हमने इंटीग्रल को साइन कॉस में चेंज कर लिया, सेकेंड इक्वेशन वो होगी जो हमने प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये सारे क्या है आई, अब मुझे क्या करना है एडिंग वन एंड टू, वन प्लस टू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टू आई इक्वल्स टू, वन प्लस टू करो क्या आ गया इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों को ऐड कर लिया dx। आप दोनों को तभी ऐड कर सकते हैं जब आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों में सेम हो, ठीक है। इसमें सेम थी जीरो टू पाई बाय टू इसलिए मैंने ऐड कर लिया। सो न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, सो ये मेरा आ गया इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू वन डी एक्स, वन का क्या होता है एक्स, एक्स जीरो टू पाई बाय टू। अब इसकी वैल्यू डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है पाई बाय टू, लोअर लिमिट क्या है जीरो, सो ये क्या आ गया पाई बाय टू, पर ये किसकी वैल्यू आई है टू आई की, सो मेरा टू आई आ गया पाई बाय टू, सो यहां से मेरी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय फोर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर एफ एक्स कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू टू ए पे डिफाइन है, किस पे डिफाइन है जीरो टू टू ए, तो उस केस में इंटीग्रल जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होगा इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू ए, मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों में सेम होगी, पर जो सेकेंड इंटीग्रल होगा उसमें एक्स की जगह क्या होगा टू ए माइनस एक्स। जब हमारी इंटीग्रल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है तो हम उनको एक ही इंटीग्रल करके ज्वाइन में लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ओ टू ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आया कैसे वो देखते हैं प्रूफ। जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ठीक है। सो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि हम इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं अगर मैं कोई भी सी पॉइंट ले आऊं जीरो टू टू ए के बीच में, तो मेरा जो ए है वो जीरो टू ए टू ए के बीच में लाई कर रहा है, जीरो टू टू ए के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, तो मैं उसमें ब्रेक कर सकती हूं जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जो यहाँ पे अपर लिमिट होगी वो यहाँ पे लोअर लिमिट होगी ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी मेरी, प्रॉपर्टी थ्री, ठीक है। अब जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स फर्स्ट टर्म तो मेरी आ गई, मुझे अब सेकेंड टर्म लेके आनी है, तो इस टर्म को मैं एज इट इज लिख रही हूं और इसको मैं आई वन से नाम दे रही हूं, ठीक है। ये मेरा आई था इंटीग्रल जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, सो मेरा आई वन ये है, सो अब आई वन निकालते हैं, आई वन इक्वल्स टू जीरो टू, आई वन क्या है मेरा ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स ये है। अब देखिए अगर मैं x की जगह लिख दूं 2a माइनस टी, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2a माइनस टी, सो यहां से dx क्या आ जाएगा मेरा माइनस dt, और उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट की भी वैल्यू चेंज रहेगी व्हेन x इक्वल्स टू a, जब x a हो जाए और जब x की वैल्यू 2a हो जाए, ठीक है। जब x a होगा तो ये क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू टू ए माइनस टी में x इक्वल्स टू a पुट करो a इक्वल्स टू टू ए माइनस टी, दिस इंप्लाइज t क्या बन गया a, जब x a था तो t भी a है, जब x टू ए हो जाएगा तो टू ए इक्वल्स टू टू ए माइनस टी, सो यहां से t की क्या वैल्यू आ गई जीरो, ठीक है। आप वैल्यूज पुट कर दो इक्वल्स टू, जब x a था तो t क्या आ गया था मेरा a, जब x 2a है तो t मेरा क्या आ गया जीरो, ठीक है। f x की जगह क्या रखना है मुझे 2a माइनस टी और dx की जगह माइनस dt, सो मैं माइनस बाहर लिख रही हूं dt, ठीक है। अब मुझे माइनस साइन हटाना है और मुझे जीरो टू ए लिमिट चाहिए, मेरी क्या लिमिट्स गिवन है ए टू जीरो, मुझे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सचेंज करना है, तो मेरा आई वन क्या हो गया
मैं लिमिट्स को एक्सचेंज कर रही हूँ, मैं जीरो टू ए कर रही हूँ, ए टू जीरो था। तो जब भी हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट से एक्सचेंज करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से एक्सचेंज करते हैं, तो उस इंटीग्रल को हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ऑलरेडी माइनस है, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया, एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन क्या कहती है, अगर सारी लिमिट सब कुछ सेम है तो इंटीग्रल में अगर हम वेरिएबल चेंज करें तो इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहती है। यहां पे मैंने जहां जहां टी था उस जगह मैंने एक्स लिख दिया, डी एक्स एक्स लिख दिया, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी बाय प्रॉपर्टी वन। सो मेरी आई वन की क्या वैल्यू आ गई, आई वन की वैल्यू यहां पे लिख दो, जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स आ गया मेरा आई वन, ठीक है। तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूं, आप देखो, जीरो टू ए, जीरो टू ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, सो जीरो टू ए, एड हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो, सभी चीजों में हम एक चीज देखेंगे कि जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू सेम होगी तभी हम उन फंक्शंस को एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल देखते हैं सिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एग्जाम्पल है इंटीग्रल जीरो टू टू पाई, लोअर लिमिट क्या है जीरो, अपर लिमिट क्या है टू पाई, वन ओवर वन प्लस ई पावर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्योंकि सिक्स प्रॉपर्टी में अगर आपका फंक्शन, ये आपका एफ एक्स फंक्शन है, वन ओवर वन प्लस ई पावर साइन एक्स, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, यस ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी में आप चेक कर सकते हैं कैसे कंटिन्यूस फंक्शन निकालने हैं, यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट ओवर देयर, ठीक है। और जीरो टू टू पाई, इसमें इंटरवल किस में डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन जीरो टू टू पाई, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, जीरो टू टू पाई में डिफाइन भी है, तो मैं सिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ। सिक्स प्रॉपर्टी क्या था, जीरो टू टू ए, ए की जगह यहाँ पे क्या है पाई, है ना। जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए टू ए माइनस एक्स डी एक्स, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जीरो टू ए, जीरो टू ए मीन जीरो टू पाए वन ओवर वन प्लस ई पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए, जीरो टू पाए, ए क्या है पाए, एफ टू ए माइनस एक्स, टू ए माइनस एक्स क्या होता है टू, ए क्या है यहाँ पे पाए, टू पाए माइनस एक्स, मीन्स मुझे एक्स की जगह क्या लिखना है टू पाए माइनस एक्स, सो वन ओवर वन प्लस ई पावर साइन ऑफ एक्स की जगह लिखना है मुझे टू पाए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो टू पाए वन ओवर वन प्लस ई साइन एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाए वन ओवर वन प्लस ई साइन, अब देखो टू पाए माइनस एक्स, टू पाए माइनस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और टू पाए पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ही रहते हैं, यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो साइन ऑफ टू पाए माइनस एक्स मेरा क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जीरो टू पाए वन ओवर वन प्लस ई साइन एक्स डी एक्स, अब ई पार माइनस साइन एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूं, वन ओवर ई पार साइन एक्स लिख सकती हूं, ई पार किसी की भी पार में अगर नेगेटिव हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ई पार माइनस साइन एक्स को मैंने लिख दिया वन ओवर ई पार साइन एक्स, तो ये मेरा क्या बन गया, जीरो टू पाए साइन एक्स से टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, ई पार साइन एक्स न्यूमिनेटर में चला जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ई पार साइन एक्स प्लस वन, ये क्या होगा ई पार साइन एक्स, और ऐसे मिलेंगे तो ई पार साइन एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट
जीरो टू पाई है, ये भी जीरो टू पाई है, दोनों की लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, इसलिए मैं दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, जीरो टू पाई वन प्लस ई साइन एक्स ओवर ई साइन एक्स प्लस वन डी एक्स। सो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये मेरा आ गया जीरो टू पाई वन इंटू डी एक्स, जो जो होता है x, वन का इंटीग्रल क्या होता है x, वन को x के पास जीरो लिख सकते हैं, x के पास जीरो प्लस वन ओवर जीरो प्लस वन। सो इसका लगा दो जीरो टू पाए, सो पहले x की जगह क्या रखना है पाए, अपर लिमिट माइनस ओवर लिमिट माइनस जीरो, सो आपका आंसर क्या हो गया पाए। रेस्ट फोर प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट इट मे हेल्प मेनी नीडी वंस। वी सपोर्ट फ्री एजुकेशन, डू यू?